नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, जी हाँ, द बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवी, जिसके बारे में हमने काफ़ी बात की थी और आपको जैसा कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी मैंने दिया था कि दोस्तों इसकी वेटिंग पीरियड इतनी ज़्यादा है कि इतने दिनों में आप एक गाड़ी खुद बना सकते हो अगर आपके पास अच्छी टीम अवेलेबल है। जी हाँ, जोक्स अपार्ट, अगर हम बात करें आज स्कॉर्पियो एन के बारे में तो इसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसके बाद हर देशवासियों को महिंद्रा पे गर्व होगा। जैसा कि आप हाल फिलहाल के दिनों में देखे हो कि महिंद्रा की गाड़ियाँ मार्केट में धड़ल्ले से उतर रही है, और ऐसा हो भी क्यों ना, जिस तरह की डिज़ाइन इन्होंने बनाई है आने वाले कुछ दिनों में हमें और भी काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन जिस दिन बुकिंग ओपन हुई है, मैं आपको एक ऐसा डेटा बताने वाला हूं कि आप भी शॉक खाओगे। अभी जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया गया है महिंद्रा द्वारा वो है कि आधे घंटे के अंदर स्कॉर्पियो एन की 1,00,000 यूनिट की बुकिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच के देखो कि मार्केट में जस्ट उतरने के साथ ही 1,00,000 की प्री बुकिंग हो चुकी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की, और वो भी विद इन हाफ एन आवर। अभी तक कितनी हो चुकी है हमें प्रॉपर डेटा नहीं मिला है, लेकिन आधे घंटे में स्कॉर्पियो एन की बुकिंग हो गई थी लगभग 1,00,000 के ऊपर। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हो कि आज देश की जनता क्या चाहती है, और तभी तो हम समझ सकते हैं कि स्कॉर्पियो एन मार्केट में उतरने के साथ ही एक अलग ही आयाम क्रिएट करने को तैयार है। जैसा कि आपको पता है कि एक्सयूवी 700 हो गई, चाहे महिंद्रा थार हो गई, इनकी वेटिंग पीरियड इतनी ज़्यादा है कि महिंद्रा की गाड़ियाँ लोगों को मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, और कुछ दिनों के बाद हमें कॉन्सेप्ट एसयूवी भी देखने को मिल सकता है और भी काफ़ी सारे महिंद्रा की तरफ से, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में भी महिंद्रा काफ़ी बढ़िया काम कर रही है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी गर्व महसूस होगा अपने देश की कंपनी पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पूरा ध्यान है कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा के रिगार्डिंग हम आपसे बात करें और आपको नई नई अपडेट देते रहें। तो दोस्तों अगर आपको भी महिंद्रा की ये अपडेट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।